हेलो भाई, तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ भाई, पूछना। वो पुलिस वालों के हाथों के बाजू में रस्सी का क्या काम होता है? भाई ज्यादा कुछ नहीं यार, उसे बस पुंगी बजाई जाती है। ठीक है भाई, रखता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट थी कि ये सब जानकारी तू मुझे पहले ही बता दिया कर। झूठ के आज पुलिस वालों से पंगा ले लिया था, उन्होंने तो मेरी पुंगी बजा दी। ओ तेरी, लगता है इसने गलत समझ लिया। एक्चुअली पुंगी से मेरा मतलब था सीटी, एंड उसका काम ये होता है। एक मिनट, उससे पहले तो मुझे आपको ये भी बताना है कि एम्प्लॉयज अपने बॉस को ये कैंसिल चेक क्यों देते हैं, क्रिकेट जर्सी के पीछे इन नंबर्स का क्या काम होता है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये क्यों दिया जाता है। तो चलो यार, आज के इस फन से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मजेदार पर्पस के बारे में जानते हैं विद सम एंटरटेनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, अगर आपके पास भी मेरी ही तरह सारिंगन है तो आपने भी इस बात को तो नोटिस किया ही होगा कि नेशनल हाईवे पर जो व्हाइट लाइन होती है ना, उनमें बाकी नॉर्मल रोड की व्हाइट लाइन से काफी ज्यादा गैप होता है, और वो काफी बड़ी भी होती हैं। और अब अगर आपको लग रहा है कि नेशनल हाईवे पर काम करने वाले लोग ही आलसी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। देखो, नेशनल हाईवे पर जो कार होती है ना, वह नॉर्मल रोड के मुकाबले काफी फास्ट मूव कर रही होती है, और अगर ये व्हाइट लाइन भी छोटी ही होंगी तो कार्स की तेज स्पीड की वजह से ये व्हाइट लाइन काफी तेजी से मूव करती नजर आएंगी, जिससे ड्राइवर का बिल्कुल यही हाल होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और इसे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हाईवे पर कार कितनी भी तेज जा रही हो, इन व्हाइट पट्टियों को देखकर लगता है कि मानो कार अपने नॉर्मल स्पीड में ही है। नंबर 2, तो ये बात है 1995 की, जब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज के बीच ओडीआई ट्राई सीरीज हो रही थी। उसी बीच जब एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्राउंड पर आती है तो उनके प्लेयर्स के जर्सी के पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। सभी इसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था 17-18 सालों में। अब जब इसके रीजन को जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि इन बड़े बड़े बोल्ड नंबर की हेल्प से अब प्लेयर्स को पहचानना आसान होगा। ये खास करके टीवी एंड रेडियो कमेंटेटर्स एंड स्कोरबोर्ड को अपडेट करने वाले वर्कर्स के लिए काफी ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उस समय आज की ही तरह हाईटेक 8K रिजोल्यूशन वाले कैमरास नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले इसे सारी ही टीम्स के 15 प्लेयर्स के लिए 1 से लेकर 15 नंबर रखा जाता था, जिसमें नंबर 1 कैप्टन का नंबर हुआ करता था। अब कमेंट्स में ये मत लिखने लगना कि भाई तूने 15 कैसे बोल दिया, क्रिकेट तो 11 प्लेयर से खेली जाती है। जस्ट वॉच दिस। अभी नंबरिंग का सिस्टम आगे चलकर चेंज हो गया, और अब कोई प्लेयर 3 डिजिट के अंदर अपने नंबर को रख सकता था, जिसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ लकी नंबर्स रखने का सिलसिला। इस चार्ट में आप ये देख सकते हो कि कौन से इंडियन प्लेयर का कौन सा लकी नंबर कैसे पड़ा। वैसे ICC का इन नंबर्स को लेकर कोई स्पेशल रूल्स तो नहीं है, पर जब 2011 के वर्ल्ड कप में हमारे वीरूपाजी ने कोई भी नंबर नहीं पहना था तो ICC उनसे नाराज हो गई थी। हाँ बोल शर्मसार शर्मा। सर, वो आज वीरू ने जर्सी नंबर नहीं पहना। क्या, ये तो बहुत गौतम वाली गंभीर बात है। अभी तुरंत मीटिंग बुलाओ, मैं अभी अपनी फरारी से आ रहा हूँ। नंबर 3, हमें तो ट्रेन के सारे हॉर्न एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ट्रेन के 11 अलग अलग टाइप के हॉर्न होते हैं। जैसे अगर ड्राइवर ने सिर्फ एक बार छोटा सा हॉर्न बजाया तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड में जाने के लिए तैयार है। अगर ड्राइवर 2 बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब वो गार्ड से ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल मांग रहा है। और अगर ट्रेन चलाते वक्त अगर ड्राइवर 3 बार छोटे हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी अपना नियंत्रण खो चुकी है, गार्ड अपने डिब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक लगाए। तूने कुछ सुना क्या? नहीं भाई, वो रात का समय है ना, इसलिए हमारे भाई लोग हमें हेलो बोल रहे होंगे। ओके, और अगर 2 छोटे हॉर्न और 1 लंबा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन की किसी ने इमरजेंसी चैन खींच दी है, जिसे खींचने का तो मेरा बहुत ही मन होता है। नंबर 4, इंडिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने जॉब के लिए धक्के नहीं खाए होंगे, और इसीलिए आपको कैंसिल चेक के बारे में तो पता ही होगा। कई कंपनीज आपको अपने जॉब पर रखने से पहले आपसे कैंसिल चेक मांगती हैं, और इसका ये रीजन है ताकि उनको प्रूफ मिल जाए कि आपके पास सही में एक बैंक अकाउंट है, एंड आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड वो सारे नेसेसरी डिटेल्स उसी चेक से जान लेते हैं। मतलब सीरियसली यार, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है, फिर भी इन्हें हम पर यकीन नहीं होता। और वैसे इस चेक को कैंसिल इसलिए किया जाता है ताकि वो कंपनीज इसका मिसयूज न कर ले, मतलब कोई भी अमाउंट डाल करके पैसा देने की जगह निकाल ही न ले, क्योंकि अगर उन्हें हम पर भरोसा नहीं है तो भला हमें कौन सा है उनपे। नंबर 5, अब बचपन से लेकर जब मुझे पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिला तब से मेरे दिमाग में हमेशा से ये सवाल जरूर आता था कि हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ट्रायंगुलर स्केल क्यों दिया जाता है। बचपन में मैं तो इतना बड़ा फूडी भी नहीं था जो इनसे समोसे या केक की साइज नापता। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली देखो, ये कंपनी वाले ना बहुत चलाक होते हैं, ये जानते हैं कि कुछ भी हो जाए इन बॉक्स में से जो चीज सबसे पहले घूमने वाली है वो है ये इकलौती सीधी साधी स्केल, सो वे हमें पहले से इसका अल्टरनेटिव दे के रखते हैं। अब ऐसे अटपटांग लॉजिक ना मेरे दिमाग में भी खूब आते थे, बट एक्चुअली इन स्केल्स का नाम सेट स्क्वायर होता है, एंड ये बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड में यूज किए जाते हैं। बट सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारे स्कूल के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिए जाते हैं, मानो जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाली कंपनी हमें बचपन से ही कह रही हो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा।
नंबर 6। आपने बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इन येलो कलर के कवर को तो देखा ही होगा, तो आखिर इस येलो चीज का स्क्रू ड्राइवर में क्या काम होता है? नहीं नहीं, ये तो नहीं होता है। लेकिन आप सबको ये बात तो पता ही होगा कि स्क्रू ड्राइवर का ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काम करने के लिए यूज किया जाता है। खास करके यह जो बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। आमतौर पर स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को पकड़ा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कई बार आगे वाले मेटल के हिस्से को भी लोग छू लेते हैं, और इसलिए इस येलो कलर के प्लास्टिक के कवर को दिया जाता है। कई बार ये रबर से भी बना होता है, और इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, जिससे लोगों को शॉक भी नहीं लगता। और यार जस्ट इमेजिन, अगर ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। नंबर 7। अब अक्सर आपने पुलिस के वर्दी में इन रस्सी को तो देखा ही होगा, तो पहली बात यह कोई रस्सी नहीं है, और दूसरी बात इसका पर्पस बहुत ही मजेदार है भाई, जानकर मजा आ जाएगा। तो एक्चुअली गाइस, इसे लैंड यार्ड कहा जाता है, एंड इसके होने के मेनली दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट, किसके अंदर एक सीटी होती है जो कि इनकी पॉकेट में छिपी होती है। अब जब भी किसी पुलिस को किसी गाड़ी को रोकना होता है या फिर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को अलर्ट करना होता है, तो वो इस सीटी का यूज करते हैं। ओके, अब भाई जनवरी के मंथ में ऐसी ठंडी बढ़ी हुई है, तो क्यों ना हंस हंस कर गर्म होने के लिए कुछ कनॉलेजेबल स्पेशल गर्मा गर्म मीम्स देख लिए जाएं। टीचर, क्या कोई मुझे दुनिया के सबसे यूजलेस चीजों का एग्जांपल दे सकता है? मी रेजेस हैंड। टीचर, वेरी गुड, कोई और एग्जांपल? लाइफ लेसन, जब रोने नहीं आए तो क्रिंज वाली रोनी नहीं रोनी चाहिए। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, किड्स, ऑडियो इज नॉट क्लियर। मेंस, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेजेंड्स, सर आपका फोन ही बेकार है। पहले मैं बहुत बीड़ी पीता था, फिर एक दिन मौसी ने कहा रामदेव बाबा का योगा क्लासेस ज्वाइन करो। आप यकीन नहीं करेंगे, अब मैं पांव से भी बीड़ी पी सकता हूँ। रामदेव बाबा भी लाइक, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है मौसी। आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम, डैड भी लाइक, तुम बड़ा होके क्या बनेगा? है? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे, हम क्या करेंगे? दो तीन का बच्चा होगा। पेपर के दूसरे साइड भी क्वेश्चंस थे। शिट। ये सच्ची मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बच के बच्चों, एग्जाम्स का सीजन आ रहा है, पीछे के पेपर जरूर से चेक कर लेना, साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब वाले बटन्स को भी, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आए तो इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा। साथ ही यार मेरे एक वीक के मेहनत का मुझे सुकून मिल पाएगा, क्योंकि भाई वीक में एक वीडियो अपलोड करने से यूट्यूब तो ऐसे ही पीट देता है हमें, ऊपर से तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो समझ रहे हो भाई। वैसे कुछ ऐसे सिमिलर वीडियोस ये दोनों भी हैं। इस वीडियो को यहां तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।